आज मैं बनाऊंगी गर्मियों के सीजन वाला कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। इसी कच्चे आम की चटनी ये देखिए मैंने बनाई है, इसमें कोई भी मिलावटी नहीं है, कोई भी कलर नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट जैसा बना है वैसे ही आपके सामने है। आप भी इसको एक बार बना करके देखिए, बहुत ही लाजवाब चटनी होती है। इस तरह की चटनी कैसे बनती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं थोड़े से कच्चे आम, इसे छील के इसके बीज निकाल के इसे वॉश करके ले लिया है। अब मैं गैस जलाऊंगी। मैंने गैस जला के कढ़ाई रख दी, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच, और इसमें आपको डालना है हींग 1 चुटकी, 1/4 चम्मच सौंफ, 1 चुटकी कलौंजी, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 चुटकी मेथी दाना। अब आप लोगों को इसमें डालना है कच्चे आम। अब 1 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर, 1 पिंच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार सादा वाला नमक। अब मैं डालूंगी काला नमक। इसको चला के इसे ढक देना है। मैंने इसे चला के 2 मिनट के लिए इसे ढक दिया है। ये गर्मियों में बहुत ही टेस्टी बनता है, और ये जब आम होता है जिस समय उस समय इसका टेस्ट अलग ही होता है। आप वैसे तो कभी भी बना लो खट्टी मीठी चटनी, कोई भी खा लो, पर इस गर्मी के सीज़न वाला जो होता है इसका टेस्ट ही अलग होता है। और ये मेरी करीब करीब पूरी तरीके से मेरी ये बन गई हमारी खट्टी मीठी चटनी। मैंने इतना लिया हुआ है कसूरी मेथी, इसे हाथों में क्रश कर लिया है, इसको डाल देना है। ये ऑप्शनल है, पर इसको डालने से ना इसका टेस्ट ही गजब का आ जाता है, बहुत सुंदर टेस्ट हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप इसे एक बार बना लीजिए, इसे आप महीनों तक खा सकते हैं। पूड़ी, पराठा, रोटी या फिर आप किसी चीज़ के, मतलब जैसे खाने के साथ किसी के साथ ले सकते हैं, पूरी कचौड़ी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ। मेरी चटनी बनके रेडी हो गई है, आप इसे बनाकर एक बार रख लीजिए तो इसे महीनों तक खा सकते हैं। फ्रिज में रखिए तो 2 से 3 महीने खा सकते हैं, बाहर आप इसे 1 महीने तक खा सकते हैं। तो यह मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।